हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25A का जो 8th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक है उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पर सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएँ। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन रीड करते हैं। तो 8th नंबर में बोला जा रहा कि डाइस थ्रोन एट रैंडम, यानी कि एक पासे को फेंका जाता है, डाइस को फेंका जाता है। डाइस मतलब आप जानते ही हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा करा रहा कि जो हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में जो पासा होता है उसे ही डाइस भी कहते हैं, डाई भी कहते हैं, ठीक है। तो उसे फेंका जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले तो हमको आपको ये बताना है कि 2 आने के कितने प्रोबेबिलिटी हैं, कितने चांसेस हैं। या फिर और भी उसमें क्वेश्चन है कि बताइए ए नंबर लेस देन 3, यानी कि 3 से कम आने के चांस कितने हैं। जैसे फेंकोगे तो उसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, इतने सारे नंबर्स आते हैं। तो 3 से कम कौन कौन से हैं, तो 1 और 2 हैं। तो 1 और 2 के आने के कितने चांस हैं ये बताना है। उसी तरीके से कंपोजिट नंबर आने का क्या चांस है, और एक नंबर जो कि 4 से कम ना हो वैसा आने का कितने चांसेस हैं। तो आइए इसको कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप कुछ इस तरीके से लिख लेना कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि क्या क्या आ सकता है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास। अब टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, टोटल कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो टोटल 6 चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। टोटल 6 नंबर हमारे पास है, तो यहाँ पर आप टोटल आउटकम में ना 6 लिख देना, ठीक। यहाँ मेरा थोड़ा सा अभी राइटिंग आपको ख़राब दिखेगा, क्योंकि तबियत अभी जल्दी अभी ज़्यादा अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ है, कमजोरी थोड़ी सी है, तो लिखने में दिक्कत हो रहा, फिर भी आप समझ जाओगे, इतना भी ख़राब नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हमारे पास हो गया, 6 हो गया। अब हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 आने के कितने चांस हैं, तो आप कैपिटल पी लिखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, और ब्रैकेट में यहाँ पर आप डायरेक्ट ई भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अदरवाइज आप इसमें चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी तो इसका हो गया, अब गेटिंग 2 लिख दो इस तरीके से आप, कि 2 आने के जो प्रोबेबिलिटी हैं वो कितने हैं, गेटिंग ए 2 इस तरीके से। ई करके भी चल सकता है, लेकिन ई लिखना रहेगा ना, तब आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके बारे में ई लिख रहे हो, क्लियर है। जैसे कि हम लोग वहाँ पर आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, जो हमारा बल्ब वाला क्वेश्चन था, कि जहाँ पर हमने क्या लिखा था, पहले की स्टेटमेंट लिखा था कि जो नंबर थे हमारे डिफेक्टिव बल्ब वो कितने हैं, इसलिए फिर वहाँ पर हम डायरेक्ट ई लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं बताओगे कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, यानी स्टेटमेंट अगर नहीं लिखते हो छोटा सा, तो फिर आप डायरेक्ट इतना ये लिख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2, यानी कि 2 के आने के कितने चांसेस हैं। तो देखो 2 हमारे पास कितना है, केवल एक ही पीस 2 है, तो ऊपर में 1 लिखोगे और नीचे में टोटल जो होता है ना आउटकम उसको नीचे लिखा जाता है। तो टोटल आउटकम कितना है, 6 है, तो नीचे 6 लिख दोगे। अगर ये कट हो रहा है तो कट करो, अदरवाइज कंप्लीट यहाँ पर, तो ये तो कट हो नहीं रहा है, तो बस यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे समझ में आएगा। जैसे देखो सेकेंड वाले में हमको क्या बोला है कि ए नंबर लेस देन 3, यानी कि 3 से कम वाले नंबर कौन कौन है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि नंबर लेस देन 3, 3 से कम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो एक तो 1 होता है, एक 2 होता है। अब इसके आने का चांस कितना, अगर मेरे को ये लिखना रहे ना, अब मैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, यानी कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पर ई लिख दूंगा। टीचर को समझ जाएगा कि ये इसके बारे में बोला जा रहा है, ई का मतलब होता है इवेंट, यानी कि ये जो इवेंट हम लिख रहे हैं ना, इसका ही शॉर्टकट होता है ई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ई लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 से कम कितने नंबर हैं टोटल, एक देखो 1 है और एक 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 2 नंबर्स हो गए, 2 नंबर हो गए, तो ऊपर में 2 लिखेंगे। और हम जानते हैं कि जो टोटल आउटकम्स होता है हमेशा उसको नीचे लिखा जाता है, तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो नीचे 6 लिख दो। अब ये कट हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 और नीचे 2 3 जा 6, तो नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 2, यानी कि 3 से कम आने के जो नंबर के चांसेस है वो 1/3 है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड वाला भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, बस आपको समझने की देरी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि जैसे कि देखो एक तो होता है हमारा प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कई बच्चे मान लो अगर भूल गए हो कंपोजिट किसको बोलते हैं, तो सिंपल आप दिमाग में ये फिट कर लो कि अगर कोई नंबर दूसरे से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, खुद से नहीं, किसी और नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसे कंपोजिट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि 2 केवल 2 से ही डिवाइड होगा, और कोई नंबर से डिवाइड होगा क्या, हाँ 1 से होगा, तो 1 हमको नहीं लेना है, अपने दिमाग ये रखा ना कि 1 को नहीं रखना है। 3 भी जो है वो या तो उसका फैक्टर या तो 1 होता है, यानी कि केवल 1 से डिवाइड होता है, या तो खुद 3 से होता है, तो ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा हमारे फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 हो गया, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर का मतलब होता है जिससे वो डिवाइड हो सके, तो जैसे 1 से डिवाइड भी होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 जो है खुद 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 भी जो देखो 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और खुद 6 से भी होगा, तो 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 4 और 6 यहाँ पर 2 कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर आप लिखोगे कंपोजिट
कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं कंपोजिट, 4 और 6। तो अब इनका जो प्रोबेबिलिटी है, इनके आने का जो चांसेस है, उसको हम लोग यहाँ पर भी देखो, दो ही नंबर हैं केवल कंपोजिट, कितने हैं, एक ये है और एक ये है, टोटल दो हो गए। तो ऊपर में 2 लिखो, नीचे में 6 लिखो, कट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। कितना आसान था। चलो जल्दी से लास्ट वाला बना लेते हैं, ये नंबर नॉट लेस देन 4 है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर्स नॉट लेस देन 4, यानी कि 4 से कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 4 से कम नहीं है, तो एक तो 4 खुद ही 4 से कम नहीं होगा, एक 5 भी 4 से कम नहीं होगा, और 6 भी जो है 4 से कम नहीं होगा। तो बस इसके आने का चांस कितना होगी, अब टोटल कितने ऐसे नंबर होगा, तो टोटल ऐसे 3 नंबर होगा। तो यहाँ पर ऊपर में 3 लिखो, नीचे में 6, ये फिर से कट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, ऊपर में 1 लिखो, नीचे में 2 लिख दो, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।